So hello guys, welcome to the new video. So in this video I will be telling you that how I learned web development for free and how you can also learn web development for free with certification. So let's start this video. Guys, agar aap bhi web development seekhna chahte hain aur aapko uske sath certification ki bhi zarurat hai to aap is video ko dekh sakte hain. To jo maine sabse pehle jo mera sabse pehla resource tha web development seekhne ka jahan se maine basics seekhe the web development like html css aur inke bare mein तो वो सबसे पहले यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम है जिसका नाम है freecodecamp.org। तो ये है freecodecamp.org जहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना वेब डिज़ाइन या फिर वेब डेवलपमेंट का सर्टिफिकेशन कोर्स कम्प्लीट करा था। तो ये उनकी वेबसाइट है freecodecamp। यहाँ पर आप जो भी आप इसमें कुछ अवेलेबल कोर्सेज हैं आप उनको यहाँ पर देख सकते हैं और उन कोर्सेज को आप सर्टिफिकेशन के साथ कम्प्लीट कर सकता। तो सबसे पहले जो मैंने कम्प्लीट करा है यहाँ पर वेब डेवलपमेंट जहाँ से मैंने सबसे पहले सीखी थी वो है ये रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर इनके ये कुछ वो हैं देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर लिखा है बेसिक एचटीएमएल एंड एचटीएमएल5। यहाँ पर आपको एचटीएमएल5 और एचटीएमएल के बारे में सिखाएंगे, यहाँ पर बेसिक सीएसएस के बारे में बताएंगे, यहाँ पर विजुअल डिज़ाइनिंग क्या सब करते हैं और अप्लाइड एक्सेसिबिलिटी, सीएसएस फ्लैक्स बॉक्स और सीएसएस ग्रिड्स के बारे में। तो यहाँ से मैंने सबसे पहले अपना वेब डेवलपमेंट का बेसिक कंप्लीट करा था विद सर्टिफिकेशन। और इनमें आप प्रोजेक्ट्स भी आपको देते हैं, ये आपको प्रोजेक्ट्स भी कुछ देते हैं, लाइक इसमें 5 प्रोजेक्ट्स जो कि मैंने बिल्ड करे थे, एक ट्रिब्यूट पेज, सर्वे फॉर्म, प्रोडक्ट लैंडिंग पेज, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पेज और एक लास्ट में पर्सनल पोर्टफोलियो वेब पेज। तो आपको ये सब इसमें सीखने को मिलता है और साथ ही आपको फ्री में एक सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको सर्टिफिकेशन को आप कहीं पर भी आपने दिखा सकते हैं, लाइक रिज्यूमे, लिंक्डइन, तो आप उन सर्टिफिकेशन कहीं भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ से मैंने सबसे पहले अपना वेब डेवलपमेंट का बेसिक्स सीखे थे। तो आप भी यहाँ पर इसमें एनरोल कर सकते हैं, ये आप बिल्कुल फ्री, आप इसमें बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं और आप इसको कम्प्लीट करें। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ कि इसमें अंदर कैसे आप इसके अंदर वेब डेवलपमेंट सीखते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर एनरोल कर रखा था और कम्प्लीट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको साथ में ही आपको सिखाते रहेंगे, लाइक सब यहाँ पर आपकी थ्योरी होगी जो भी आप जो भी ये आपको सिखाएंगे, लाइक सबसे पहले यहाँ पर लिखा है हेलो टू एचटीएमएल। तो फर्स्ट यू विल स्टार्ट बाय बिल्डिंग अ सिंपल वेब पेज। तो यहाँ पर जैसे दिखा रहे हैं, डू यू सी द कोड इन योर कोड एडिटर, तो ये इनका कोड एडिटर है बीच में, यहाँ पर लिखा H1 और उसके अंदर हेलो लिखा और H1 टैग क्लोज है। तो इन्होंने यहाँ पर ये दे रखा है, आप मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर इन्होंने कोड दे रखा और यहाँ पर आप कुछ भी चेंज करेंगे और जैसे आप उसको वो करेंगे और इसको फिर रन करते हैं इस बटन से, रन द टेस्ट, तो यहाँ पर देख लीजिए आप यहाँ, तो यहाँ पर आपको ये आउटपुट भी दिखाएगा साथ में ही। जैसे मैंने यहाँ पर H1 हेडिंग में लिखा था तरुण, तो यहाँ पर दिखा देता तरुण। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर कोई भी कोर्स करते हो तो वो आपको लाइव प्रीव्यू के साथ दिखेगा और जो भी आप कोड करते हैं साथ में ही उसका आउटपुट भी आ रहा होगा। तो ये मेरे को इनका अच्छा लगा कि यहाँ पर साथ ही आप थ्योरी देख रहे हैं और यहाँ पर आप प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं उसका ही। तो आप यहाँ से वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, तो मैंने यहाँ से सबसे पहले सीखी। और जो मेरा दूसरा रिसोर्स था वो था W3 स्कूल। गाइस, जो भी लिंक होगी वो सब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा है ट्यूटोरियल्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है HTML CSS। तो अगर आपको HTML लर्न करनी है तो इस पर क्लिक करें लिंक पर, CSS के लिए ये है। और जैसे जावास्क्रिप्ट होती है वेब डेवलपमेंट, तो आप यहाँ से जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हैं। और जैसे आप इन तीनों को सीख लेते हैं, अगर आपको कोई फ्रेमवर्क या फिर डेटाबेस के बारे में सीखना है तो वो भी आपको यहाँ पर सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है लर्न jQuery, रिएक्ट, एंगुलर, और अगर आपको कोई भी बैकएंड के लिए प्रोग्रामिंग यूज़ करनी है तो वो भी आप यहाँ सीख सकते हैं, लाइक जावा, C++, पाइथन। और जो भी हमारा डेटाबेस होता है, लाइक यू वॉन्ट टू लर्न SQL, अगर आपको SQL के बारे में भी सीखना है तो आप यहाँ पर SQL भी सीख सकते हैं। तो ये W3Schools.com की वेबसाइट है, आप यहाँ से भी HTML और CSS सीख सकते हैं। तो मैंने ये दो रिसोर्सेज यूज़ करे थे अपने वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए जो कि मैंने बेसिक लर्न कर रखे हैं। तो आप भी यहाँ से लर्न कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज हैं दोनों। और freecodecamp आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है जो कि आप अपने रिज्यूम और लिंक्डइन वेबसाइट पर भी दिखा सकते हैं। तो गाइस, ये तो कुछ रिसोर्सेज थे जो मैंने आप जहाँ से मैंने अपनी वेब डेवलपमेंट सीखी थी। और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप वेब डेवलपमेंट फ्री में सीख सकते हैं। कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, लाइक यूडीमी पे कुछ फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, बट अब यूडीमी फ्री सर्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करता, पर आप सीख सकते हैं विदाउट सर्टिफिकेशन। और कोर्सेरा, यूडेमी, कोड अकेडमी, बहुत सारी रिसोर्सेज जहाँ से आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं फ्री में। सो
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।